Good afternoon, everyone. I welcome you in today's English class. I'm going to take the topic is the beggar. Part 2, already I have discussed with you part 1 of this lesson from Moments. So, in the last class, in part 1, I have started the explanation of this story. So, once again, I want to remind you that this story is about a beggar named Laskov, who begs as a school teacher or a student, and one day he meets an advocate named Sergei, and Sergei offers him a job. And then what happens? Let's see in the lesson. Okay? So what happened? The advocate's eyes fell on the beggar's shoes, and then the advocate remembers something about the beggar who is begging right now. And Sergei tells him that it seems he had met him somewhere day before yesterday, and the beggar had admitted that he was a student, not a school teacher. And now he has told that he was a village school teacher. And his lying is caught by the advocate. And what is that? After that, what happens? You see on the panel. No, that can't be so. So you see in this slide how the beggar is speaking. No, that can't be so, mumbled the beggar. Or यह भिखारी बरबराया, जैसे ही उस एडवोकेट ने बोला कि परसों मैंने तुम्हें देखा था सदोया स्ट्रीट में, और तुमने बहानाबाजी की थी कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है, और आज तुम बोल रहे हो कि एक शिक्षक थे तुम जिसको स्कूल से निकाल दिया गया, गांव के शिक्षक थे। तो इस प्रकार से उसे आरोपी लगाते हैं, झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं। सरजी एडवोकेट उस पर आरोप लगाते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, और इस प्रकार से सरजी क्या करते हैं, उस पर जब आरोप लगाते हैं तब ये बेगर बोलता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, दैट कांट बी सो। वो बड़बड़ाता है डर से, उसका झूठ पकड़ा गया। हाँ, टेकन अबैक He started mumbling because he has become nervous. He became nervous that his lying was caught. Okay, what he had spoken, that was a myth. So that was caught. That's why he was feeling surprised and nervous. Who? The beggar. I am a village school teacher, and if you like, I can show you my papers. और ये जो बेगर है, भिखारी है, लस्कोफ, ये कहता है कि मैं एक गांव का शिक्षक हूं, और अगर
आप चाहेंगे तो मैं आपको इसका प्रूफ दिखा सकता हूं. आई कैन शो यू द डॉक्यूमेंट्स, आई कैन शो यू द पेपर्स. हैव डन विथ लाइंग. यू कॉल योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी वॉट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर. तब सर जी बोलते हैं अब तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है. Have done with lying. और तुमने, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है, तुमने अपने आप को स्टूडेंट बताया था और ये भी तुम बोले थे कि क्यों तुमको स्कूल से निकाल दिया गया था, उसका कारण भी तुमने मुझे बताया था परसों तुमसे जब मुलाकात हुई थी हमारी. Don't you remember? तो एडवोकेट बोलते हैं तुमको क्या याद नहीं है तुमने क्या कहा था परसों जब हमसे मिले थे, भीख मांग रहे थे मुझसे. सरजी फ्लस्ट एंड टर्न फ्रॉम द रैगेड क्रिएचर विद एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसगस्ट. और सरगी सरजी वहां से मुड़े, वहां से हटे और वहां से टर्न कर दिए उस रैगेड क्रिएचर, मतलब वो फटा चित्रा कपड़ा पहनने वाला, सिकड़ा सिकड़ा हुआ पुराना मैला कपड़ा पहनने वाला, जो पहने हुए जो भिखारी था, वहां से वो तुरंत मुड़ गए, हट गए और वो उनके चेहरे पर डिसगस्ट था. दैट देयर वाज एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट. ठीक है, नाराजगी जाहिर करते हुए वो उसके क्वेश्चन से संतुष्ट नहीं थे बिल्कुल. वो घृणित भाव से उस बेगर की तरफ देखने लगे, घृणा करने लगे उसे झूठ के कारण. ओके, उसी को बोलते हैं डिसगस्ट. ओके, नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज डिसऑनेस्टी माय डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली. और गुस्सा से चिल्ला उठा भिखारी, गुस्सा से क्या बोल उठा कि यह तो बिल्कुल डिसऑनेस्टी है, ये आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं. हाँ, यू सीम टू बी डिसऑनेस्ट. जो आदमी झूठ बोलता है और वफादार नहीं होता उसको बोलते हैं डिसऑनेस्ट. तो यह बोलने लगा, यह भिखारी गुस्से में बोलने लगा, आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं. दिस इज स्विंडलिंग, ये आपका चाल है, आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं. आप अपने, आप मेरे ऊपर कुछ चाल चल रहे हैं. ये उल्टा उस पर आरोप लगाने लगा. कौन? बेगर. आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू. और मैं अब पुलिस को बुलाऊंगा, डैम यू, तब आपको पता चलेगा. ओके, दैट इज योर लैंग्वेज. Damn you. Sir, he said, फिर थोड़ी देर बाद ये बेगर बोलता है महाशय, laying his hand on his heart, अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है बेगर ऐसा करके कि सर, the fact is I was lying. फिर भिखारी अपना गलती स्वीकार करता है और कहता है कि सर, सच्चाई यह है कि मैं झूठ बोल रहा था. आई एम neither a स्टूडेंट nor a स्कूल टीचर. ना तो मैं एक स्टूडेंट हूं और ना ही कोई स्कूल टीचर हूं. ये दोनों बातें झूठ हैं, मैं झूठ बोला हूं. ओके, ऑल दैट वॉज फिक्शन. ये सब जो मैं बात बताया वो सब एक कहानी था. हाँ, मैंने एक मनग्रंथ कहानी आपको सुना दी थी और कुछ नहीं. फॉर्मली आई sang इन a रशियन choir एंड was सेंट अवे फॉर drunkenness. फॉर्मली, पहले मैं एक रशियन म्यूजिकल बैंड में काम करता था, रशियन म्यूजिकल ग्रुप में काम करता था और वहां से मुझे निकाल दिया गया अधिक शराब पीने के कारण.
ड्रंकनेस, ज्यादा से ज्यादा शराब पीने के कारण मुझे उस म्यूजिक बैंड से, म्यूजिक ग्रुप से मुझे निकाल दिया गया। कौन कह रहा है? बेगर। ओके, बट व्हाट एल्स कैन आई डू, फिर ये भिखारी कह रहा है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था, मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। ओके, आई कांट गेट अलोंग विदाउट लाइंग, मैं बिना झूठ बोले मैं जिंदगी नहीं काट सकता, मैं जी नहीं सकता, मैं अपना दिन नहीं काट सकता बिना झूठ बोले। ये मेरी आदत सी बन गई है, मैं लाचार, मेरी लाचारी है झूठ बोलना। नो वन विल गिव मी एनीथिंग व्हेन आई टेल द ट्रूथ, व्हाट कैन यू डू, कोई मुझे एक फुटी कौड़ी भी नहीं देगा अगर मैं सच कहूंगा तो, कोई मुझे फुटिकौरी नहीं देगा, और मैं क्या कर सकता हूं, और मैं कर भी क्या सकता हूं, व्हाट कैन आई डू, मेरे साथ मेरे पास झूठ बोलने के सिवा और कोई चारा नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। आखिर मैं अपना जीवन गुजर बसर कैसे करूंगा, कहां से भोजन आएगी मुझे, कहां से पैसा मिलेगा जो मैं हाँ आश्रय लूं कहीं लॉज में या भोजन करूं, तो मेरी मजबूरी है झूठ बोलना। नेक्स्ट, जस्सी, व्हाट कैन यू डू, व्हाट कैन यू डू, यू आस्क व्हाट यू कैन डू, व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो, तुम पूछते हो कि तुम क्या कर सकते हो, भीख मांग सकते हो, इसी के लिए बने हो कि तुम भीख मांगो। Cried Sirji coming close to him. Sirji उसके नजदीक आते हुए, एडवोकेट उसके नजदीक आते हुए बोला, क्या बोला, क्या कर सकते हो, तुम पूछे तो तुम क्या कर सकते हो, work, that's what you can do, you must work, और क्या सकते कर सकते हो, तुम काम कर सकते हो, वही चीज है तुम्हारे लिए, तुमको काम करना होगा, तुम्हारा इतना बढ़िया शरीर है, तुम्हें जरूर काम करना चाहिए, मस्ट वर्क, तुम्हें भीख मांगना नहीं चाहिए बल्कि काम करना चाहिए। वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी। अब देखो, तब ये कहता है भिखारी, कहता है वर्क, यस यस मैं काम कर सकता हूं, मुझे मालूम है, आई नो दैट माई सेल्फ, मुझे पता है कि मैं काम कर सकता हूं। कौन बोल रहा है? बेगर। बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, लेकिन मुझे काम कहां मिलेगा, काम कहां मिलेगी मुझे, कौन मुझे काम देगा, मैं काम कैसे खोज सकता हूं। How would you like to chop wood for me? फिर सरजी पूछता है कि तुम क्या मेरे लिए लकड़ियां काट सकते हो, लकड़ियों को अलग अलग भाग में काट सकते हो, चीड़ सकते हो, उसको टुकड़े टुकड़े में काट सकते हो लकड़ियों को, बोलो, can you chop wood for me? I wouldn't refuse to do that, but in these days, even skilled woodcutters find themselves sitting without bread. तो वो सोचा, भिखारी सोचा कि इसको कह रहा है कि तुम लकड़हारे का काम तो कर सकते हो, कम से कम तुम जाकर जंगल में लकड़ियां काट सकते हो, ऐसा सोचा। बेगर ने सोचा कि इसको बोल रहा है कि तुम लकड़ी काट के तो अपना जीवन गुजर बसर कर सकते हो, ये नहीं सोचा कि उसके घर की लकड़ियां काटने के बारे में, बेगर पहले ऐसे नहीं सोचा, इसीलिए कह रहा है बेगर कि मैं ऐसे काम अगर मुझे मिलता तो मैं इनकार नहीं करता ऐसे काम को, अगर लकड़ियां काटने का ही काम मुझे मिले तो मैं इनकार नहीं करता, मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन आजकल इन दिनों बहुत अच्छे अच्छे स्किल्ड वुड कटर्स हैं, स्किल्ड बहुत ही कौशल प्राप्त
जो वुडकटर्स हैं, लकड़हारे हैं, उनको भी काम नहीं मिल पाता है. दे फाइंड themselves सिटिंग विदाउट ब्रेड. वो भी बस हाँ, उनको कोई काम नहीं मिलता है और घर पे बैठे रहते हैं हाँ, बिना भोजन किए भूखे. वो भी भूखे हाँ, भुखमरी में उनकी जिंदगी भी जा रही है. वो भी भुखमरी की जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि उनको कोई काम नहीं मिल रहा है. अच्छे अच्छे वुडकटर्स हैं, तो मुझे भला कौन काम देगा लकड़ियां काटने का? कौन बोला? बेगर. विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी? फिर सर जी एडवोकेट कहते हैं कि ठीक है, क्या तुम मेरे साथ आओगे और मेरे लिए लकड़ियां काटोगे? मेरे लिए लकड़ियां काटोगे, लकड़ियों का टुकड़े टुकड़े में काटोगे? ये पूछ बैठे उससे, बिगर से, क्योंकि उसको काम देना चाहते थे. ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ द बिगर एंड द एडवोकेट. ओके, यस सर आई विल. तब वो एडवोकेट बोलता है, बिल्कुल सर, मैं आपके लिए लकड़ियां काट सकता हूं, मुझे कोई भी काम और ऐसी काम मिलेगा तो मैं क्यों हाथ से जाने दूंगा. आई विल डू इट. वेरी वेल, वी विल सून फाइंड आउट. बहुत अच्छा, अब हम लोग तुम्हारे लिए काम खोजेंगे. वी विल सून फाइंड आउट अ वर्क फॉर यू. सर जी हैस्टेंड अलोंग रबिंग हिज हैंड्स. और सर जी और थोड़ा जल्दी में आगे बढ़े, जल्दबाजी में, ठीक है, और अपने हाथों को रब किया. ऐसा करके हाथों को रब किया. ठंड का समय था, बर्फीले दिन थे, बर्फबारी हो रही थी, तो अपने नंब हाथों को उन्होंने ऐसा रगड़ा गर्म होने के लिए. ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन. उसके जो कुक, उनकी जो कुक थी वो रसोई घर में थी, उसे बुलाए. उसे सरजी जो एडवोकेट है, अब उन्होंने अपने कुक को किचन से बुलाया. हियर ओल्गा ही सेड. और बोले, जब ओल्गा आई, उसका कुक का नाम है ओल्गा, याद रखना उसके कुक का नाम ओल्गा है. बोले जैसे कुक आई, बोले हियर, हाँ देखो ओल्गा, टेक दिस जेंटलमैन इनटू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड. तो बोले अपने कुक से कि इस जेंटलमैन को वुड शेड में ले जाओ, लकड़ी के गोडाउन में ले जाओ, जहां लकड़ियां रखे जाते हैं, वो लकड़ी का गोदाम बन जाता है, ठीक है, उस रूम में ले जाओ, वुड शेड में, और उसे लकड़ियां काटने को दे दो. छोटे छोटे टुकड़े में काटेगा, लकड़ियों को फाड़ेगा, चीरेगा, ये काम करेगा. ले जाओ इसे अपने वुड शेड में. द स्केयरक्रो ऑफ अ बेगर श्रग्ड हिज शोल्डर्स. और ये जो भिखारी है, इसको बगर बोलते हैं. स्केयरक्रो मीन्स बगर, मतलब बेकाम का. स्केयरक्रो का मतलब बेकाम का, बेकाम का, बे मतलब का. ये जो व्यक्ति था, इसे कोई काम धंधा नहीं था, इसको मतलब नहीं था. ये जो भिखारी था, अपने शोल्डर्स को श्रग किए, ऐसा करके श्रगिंग ऊपर नीचे करते हैं, इसको बोलते हैं श्रगिंग. श्रग्ड हिज शोल्डर्स एज इफ इन परप्लेक्सिटी.
अपने शोल्डर्स को, अपने कंधों को ऐसा हिलाया जैसे ऐसा लगा कि उसकी वो अपना विकलता शो कर रहा है, इम्पेशेंस, अपना विकलता को शो कर रहा है, ठीक है. एंड वेंट इरिजोल्यूटली आफ्टर द कुक, और दुर्बलता पूर्वक. इरिजोल्यूटली का मतलब होता है दुर्बलता पूर्वक, यानी कि नहीं चाहते हुए भी, उसकी काम करने की इच्छा नहीं थी, फिर भी वो कुक के पीछे गया क्योंकि वो अपने जाल में फंस गया. ठीक है, वो पहले बोल दिया ना कि मुझे कोई काम नहीं देता है और मुझे, मैं काम नहीं खोज सकता हूँ, तो अपने जाल में फंस गया. हालांकि वो कोई काम नहीं करना चाहता था, छोटा सा काम नहीं करना चाहता, ये तो बहुत बड़ा इसके लिए काम था जहाँ बल का जरूरत पड़ेगा, फिजिकल, हाँ, ही हैड टू डू फिजिकल वर्क. ठीक है, शारीरिक मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पर, मेंटल नहीं. ओके, इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट दैट ही हैड नॉट कंसेंटेड टू गो एंड चॉप वुड बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड वर्क. और उसके चाल से ही पता चल गया, उसके चाल चलन से ही, उसके चलने का तरीका, उसके खड़ा होने का तरीका, उसका बोलने का तरीका और उसका आगे बढ़ने का तरीका काम के लिए, जब उसको काम मिला तो उसी से उसको बोलते हैं गेट. गेट का मतलब होता है चाल. हाँ, उसको अपने चाल से ही, अपने हरकत से ही मालूम हो गया कि उसका इच्छा, उसकी इच्छा नहीं थी, हाँ, लकड़ियां काटने जाने के लिए वो कार्य करने की उसे इच्छा नहीं थी. ठीक है, बिकॉज ही वाज हंग्री, क्योंकि वह भूखा था और उसे काम चाहिए था, लेकिन क्योंकि वह भूखा था और उसे काम चाहिए था, बिना काम का कोई पैसा क्यों देगा. ठीक है, तो वो अपने ही चाल में फंस गया और नहीं चाहते हुए भी उसे आगे बढ़ना पड़ा लकड़ियां काटने के लिए. But simply from pride and shame, and because he had been trapped by his own words, इसलिए नहीं, वो उसे चाल से ही पता चल गया कि वो बिल्कुल अप्रूव नहीं किया लकड़ियां काटने का, उसका मन नहीं था, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो भूखा था और उसे काम चाहिए था, लेकिन simply from pride, उसको अभिमान था, उसको अपने ऊपर बहुत नाज था और शर्म, प्राइड, और उसे शर्म महसूस हुआ. ठीक है, बट सिंपली फ्रॉम प्राइड एंड शेम एंड बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स, सिर्फ प्राइड और शेम के कारण, ठीक है, अपने स्वाभिमान के कारण और शर्म के कारण वो गया, ठीक है, लकड़ियां काटने के लिए, और वो अपने ही, और क्योंकि और एक बात है कि वो अपने ही जाल में फंस गया था, अपने ही बातों में फंस गया था. ठीक है, इट वॉज ऑब्वियस, ये बिल्कुल अस्पष्ट था, इट वॉज ऑब्वियस टू, यह बिल्कुल, ये भी अस्पष्ट था, दैट हिज स्ट्रेंथ हैड बीन अंडरमाइंड बाय वोडका एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लाइनेशन फॉर टॉयल. वर्ड्स देखना प्लीज. ओके, सारे वर्ड्स का मतलब हम बताएंगे, डोंट वरी. और ये बिल्कुल अस्पष्ट था कि उसका जो बल था वो कमजोर हो गया था, उसका शरीर, शारीरिक शक्ति जो था वो फीका पड़ गया था, कमजोर हो गया था, क्योंकि रोज वो वोडका पीता था. वोडका मीन्स एक तरह का शराब है, वोडका. ओके, रोज वोडका लेता था, वोडका के कारण उसका शरीर कमजोर हो गया था और वो बिल्कुल अस्वस्थ था. एंड डिड नॉट फील द स्लाइटेस्ट इंक्लाइनेशन फॉर टॉयल, और कठिन परिश्रम करने की तरफ उसका बिल्कुल झुकाव नहीं था, थोड़ा भी उसका झुकाव नहीं था, थोड़ा भी उसका मन में यह बात नहीं आ रहा था कि उसे कठिन परिश्रम करना पड़ेगा तभी जाकर वो कुछ पैसे कमा पाएगा, अपने जीवन गुजर बसर कर पाएगा, बिल्कुल ये सब चीज का ध्यान नहीं था. कठिन परिश्रम से वो पीछे भागता था, कौन, द बेगर. क्लियर, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अभी देखो,
सरजी हरिड इन टू द डाइनिंग रूम, सरजी डाइनिंग रूम में गए, ठीक है। फ्रॉम इट्स विंडोज वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड, और डाइनिंग रूम में गए, डाइनिंग रूम से खिड़कियों से कोई भी आदमी देख सकता है उस वुड शेड को जो वहां पर कुछ भी हो रहा था, वुड शेड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड, यार्ड मीन्स आंगन, जो आंगन में वुड शेड का जो आंगन में कुछ कोई भी कार्य होता रहेगा, कोई भी आदमी वहां मौजूद होगा, बिल्कुल दिखाई देता था उस डाइनिंग रूम से, सरजी के डाइनिंग रूम से। स्टैंडिंग एट द विंडो सरजी सॉ द कुक एंड द बेगर कम आउट इन टू द यार्ड बाय द बैक डोर एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो टू द शेड, और ये खिड़कियों के सामने खड़े होकर देख रहे थे, सारे नजारे देख रहे थे उस आंगन का जहां पर वुड शेड है। सरजी देख पा रहे थे कि बेगर अंदर आया उस आंगन में पीछे वाले दरवाजे से, एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो, और बेगर और ओल्गा वो अपना रास्ता बनाए, किधर से घुसे हैं, डर्टी स्नो टू द शेड, हाँ स्नो का ढेर लगा हुआ है, गंदा स्नो का ढेर लगा हुआ है, ठीक है, कुछ कूड़ा करकट होगा उसी पे स्नोफॉल हुआ होगा, तो इसीलिए कहा गया है, उसीलिए कहा गया है डर्टी स्नो टू द शेड, हाँ वहीं से रास्ता बनता है शेड का। तो उस तरफ जाते हुए इन दोनों को देखा, किसने देखा, सरजी ने। ओल्गा ग्लेड रैथफुली एट हर कंपेनियन, कंपेनियन किसको कहा जा रहा है, बेगर को, अपने साथी बेगर के तरफ, हाँ अपने घुराए ही नजरों से देखी, ठीक है, और गुस्से में देख रही है, रैथफुली, क्यों गुस्से में देख रही है, कि दुबला पतला है, उसके शरीर में बल नहीं है, ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, और लकड़ियां कहां से काटेगा, तो क्यों हाँ कर दिया अब वो लकड़ियां काटने के लिए, इसीलिए गुस्से से देखती है शी, हाँ ग्लेड रैथफुली एट द बेगर, शोव्ड हिम असाइड विथ हर एल्बो, अपने केहुनी से उसको साइड में करती है, शोव्ड हिम, हाँ चलो उधर, अनलॉक्ड द शेड, और शेड को खोलती है, उस वुड शेड को खोलती है, एंड एंग्रीली बैंग्ड द डोर, और गुस्से में हाँ उसको बैंग द डोर, दरवाजे को जोर से धक्का देके खोलती है जिससे कि आवाज हो। कभी कभी हम लोग गुस्से में क्या करते हैं, दरवाजा खोलते हैं ना तो आराम से नहीं खोलते हैं, या तो पैर से मार देते हैं गुस्से से, या हाथ से जोर से मार देते हैं, तो एक तो बैंगिंग साउंड होता है, उसको बोलते हैं बैंग द डोर, ओपन द डोर एंग्रीली, ओके। नेक्स्ट ही सॉ द स्यूडो टीचर सिट हिमसेल्फ ऑन ए लॉग एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट विथ हिज रेड चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट्स, और बाद में यह एडवोकेट जो है देखता है छद्म शिक्षक, मतलब झूठा शिक्षक, स्यूडो टीचर मतलब झूठा टीचर, वो बैठता है एक लॉग, एक लकड़ी के ऊपर, बड़े बड़े लकड़ी गोल गोल रखे रहते हैं राउंड शेप के, उस पे बैठता है, एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट विथ हिज रेड चीक्स रेस्टिंग ऑन हिज फिस्ट्स, और वहां बैठकर ऐसे अपने हथेली पर ऐसा गाल ऐसा करके बैठ जाता है और सोच में डूब जाता है, हाँ कोई सोच में डूब जाता है, सपने में डूब जाता है, सपनों में खो जाता है। द वुमन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट, और ये जो औरत है ओल्गा जो कुक, वो एक कुल्हाड़ी फेंकती है उसके पैर के पास, पैर पर नहीं फेंकती है, पैर के जस्ट सामने फेंकती है, जिससे कि वो कोई सोच में डूबा हुआ है अपने सोच से बाहर निकले, ठीक है। स्पैट एंग्रीली एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगन टू स्कोल्ड हिम, और क्या करती है, स्पैट एंग्रीली, गुस्से में झगड़ा करती है उससे, क्या कर रहे हो, क्यों आकर बैठ गए हो, झगड़ने लगती है, तुमको काम दिया लकड़ियां काटने, तुम आकर बैठ गए, सपने में डूब गए,
एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स, और गुस्से में थी, उसका लिप्स कांप रहे थे गुस्से से. हाँ, कोई कोई गुस्सा होता है उसके होठ कांपते हैं, ऊपर नीचे होता है, तो वो एक्सप्रेशन दिखा रही थी और गुस्से से उसको अनाप शनाप बोलना शुरू कर दी, डांटना शुरू कर दी. ओके, द बेगर इरिजोल्यूटली पुल्ड अ बिलेट ऑफ वुड टुवर्ड्स हिम, और बेगर नहीं चाहते हुए भी, ठीक है, वो नहीं चाहते हुए भी दुर्बलता पूर्वक अवस्था में ये भिखारी एक टुकड़ा, एक लकड़ी का टुकड़ा, बिलेट ऑफ वुड मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा अपने सामने खींचता है, ठीक है, सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, अपने पैरों के बीच में सेट करता है, ऐसा करके कोई ऊंचा जगह पर रखता है, पत्थर होता है जो भी हो, जो उसको मार कर उस पर मारेगा उसको, हाँ उसको चीर डालेगा, ठीक है, सेट इट अप बिटवीन हिज फीट एंड टैप्ड इट फीबली विद द एक्स, और कमजोर अवस्था में उस एक्स से वार करता है, उस कुल्हारी से वार करता है, उसमें जान कहां थी, उसके हथेलियों में जान कहां थी, हा? उसको आर्म्स में जान ही नहीं थे, उसके हथेली में जान ही नहीं थे कि लकड़ी का पट्टा जो है उसको कुछ, उस पर कुछ असर डाल सकता हो बेगर, ठीक है. द बिलेट वेवर्ड एंड फेल डाउन, वहां से वो लकड़ी का जो पट्टा था गोल वाला, ठीक है, लंबा, वो वहां से हट गया, हाँ, क्योंकि वो तरीके से नहीं मार पाया, वो स्लिप करके हट गया, ठीक है, और नीचे गिर गया, जिसके सहारे, कोई चीज के सहारे उसको ऊपर रखा था उसको चीरने के लिए, तुम लोग लकड़ियां चीरना तो देखे होगे. ओके, द द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, फिर वो बेगर, वो भिखारी लस्कॉफ जो बेगर है, अपने पास फिर वो लकड़ियां उस बिलेट को लेकर आया, ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स, अब उसके हैंड्स तो पूरे फ्रीज हो गए, एकदम ठंडे पड़ गए थे, हाँ, और सिकुड़ गए थे ठंड से, स्नोफॉल हो रहा था, उसको उस पर स्नो के टुकड़े भी गिरे होंगे, पीसेस ऑफ स्नो, उसको ऐसे करके फूंका, ब्लू एंड टैप्ड इट विथ हिज एक्स कॉशियसली, और सावधानी पूर्वक अपने एक्स से, अपने कुल्हारी से लकड़ी के बिलेट पे दे मारा, एज इफ अफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवरशू और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर, और इस तरीके से वो मारता है, हाँ, लकड़ी के टुकड़े को लकड़ी पर वार करता है जिससे कि उसको डर लग रहा हो उसके पैर पर ना लग जाए, उसे ऐसे डरते हुए वो वार किया, हिट किया लकड़ी पर जैसे उसके पांव पर ना लग जाए, वो डर जाता है, ठीक है, और या ना तो उसके उंगलियां ना कट जाए, और ऑफ कटिंग ऑफ हिज फिंगर्स, और ये भी डर लगता है कहीं स्लिप होकर उसकी उंगलियां ना कट जाए. द स्टिक ऑफ वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, और फिर वो जो लकड़ी रहता है फिर वो भूमि पर गिर जाता है, इस प्रकार से रखता है कोई सपोर्ट पर, और जब हिट करता है तो उसमें ताकत नहीं रहती है उसके उसके बाजुओं में, तो फिर से वो फिसल कर नीचे गिर जाता है, ठीक है. सो सी द पिक्चर. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स, आई विल कम विथ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.